फ्रेंड्स, हरण महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आज की डेट है 25th of January। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि हम एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू शेयर करने वाले हैं आप लोग के साथ, यानी मेरी YouTube फैमिली के साथ में होने वाला है। कैसे वर्क करेगा उसकी सारी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोवाइड करूंगी। तो इसके पहले हमारा जो लास्ट व्लॉग है वो अपलोड हो चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर देती हूँ, तो फटाफट जाइए पहले वो वीडियो देखे, वो वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिए एंड ये जो भी वीडियो इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए। टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस पे मैं व्लॉग बनाऊँ, आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करूँ, बट वही कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही थी, तो आज फाइनली टाइम मिला। तो आज का टॉपिक होने वाला है ये हैंड स्टिच मशीन। तो कैसा हो गया कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर एक फीचर्स डे बाय डे अपग्रेडेड होते जा रहे हैं। अब जैसे पहले जो सिलाइयों की मशीन अभी भी बहुत लोगों के घर में है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेती, बहुत ही ज़्यादा जगह उसे लगता है वो मशीन के लिए, और ऐसा नहीं कि उसमें यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल है। इनका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ था, इवन मेरी नानी के घर पे भी वो मशीन थी, मेरी मॉम ने भी वो मशीन जो है वो चलाई है जब उनका भी कुछ उनका बिजनेस हुआ करता था। तो बट अभी कैसा हो गया, डे बाय डे चीज़ें अपग्रेड होती जा रही है, मतलब पहले जो चीज़ें आती थी अभी उनमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड ऑन करके चीज़ें अपग्रेड हो रही है। अब कोई इतना बड़ा मशीन लेके तो यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता, या किसी को बाहर जाना तो वही नीडल थ्रेड वाला जो सीन होगा वो सब करो। तो अभी फिलहाल जो स्टॉक में आया है वो है हमारे ये हैंड स्टिच, क्यूट सा, इजी टू, आप इसे इजी टू कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, बैग में भी इजीली आप इसे रख सकते हैं। तो ये मशीन कैसे वर्क करती है हम उसके बारे में आज एक छोटा सा रिव्यू वीडियो हम मैं आपके साथ लेके आई हूँ। इसकी डिटेलिंग होगी प्राइस वगैरह के लिए आप मुझे DM एक बार कर लीजिएगा, मैं डिटेल आप लोग को बता दूंगी। तो बस अभी हम विदाउट गेटिंग डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो ऐसे टाइप में ये कुछ मशीन आपको रिसीव होती है, और ये जो मशीन है आप डेनिम फैब्रिक पे, सिल्क फैब्रिक पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मशीन के साथ आपको और क्या क्या चीज़ें आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मशीन के साथ आपको इसमें मिलने वाला है स्पाइंडल, नीडल्स आपको मिलने वाले, थ्रेड मिलने वाले हैं, बॉबिन्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइप में आपको रिसीव होगा। और तो हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे, लाइक इसमें आपको बॉबिन्स, थ्रेड, आपको इसमें अभी ब्लैक कलर का थ्रेड प्रोवाइड किया गया है, नीडल आपको इसमें, एक नीडल ऑलरेडी मशीन में है और एक नीडल आपको इसके साथ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन के लिए सारी डिटेल प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे टोटल कुछ 9 पॉइंट्स है कि आप इस मशीन को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी आप चाहिए तो आप एक बार आप इस चीज़ को आप गो थ्रू कर सकते हैं कि प्यारी सी हैंड स्टिच मशीन। ये है कुछ इस मशीन का लुक, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेलिंग प्रोवाइड, यहाँ पर अडॉप्टर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड यहाँ से आप लॉक, लाइक अनलॉक, लॉक आप इसे कर सकते हैं, ये बटन होगा यहाँ का। और यहाँ पर ये जो मशीन है ये कोई चार्जेबल नहीं, लाइक आपको इसको कोई चार्ज नहीं करना, बट हाँ इसमें आपको बैटरी इंसर्ट करनी होती है। तो यहाँ पर 4 बैटरी मैंने ऑलरेडी इंसर्ट की हुई है, एंड आप देख सकते हैं कि बैटरी आपको कैसे इंसर्ट करनी है, लाइक आप इसका डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। कौन सी बैटरी यूज़ होने वाली है, वो होने वाली है डूरा सेल, क्योंकि ये हाई पावर का सेल होता है, मशीन हाई पावर की है, तो आपको नॉर्मल सेल इसमें नहीं यूज़ होगा, तो इसमें आपको डूरा सेल ही इंसर्ट करना होगा, इनपुट करना होगा। तो 4 सेल आपको एक यहाँ पर ऐसे इनपुट करने होते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, देन आप इसे अच्छे से आप इसको अनलॉक करना होता है, आपको चेक करके प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑलरेडी 2 बॉबिन्स मिली है, ब्लैक कलर की, एक आपको व्हाइट कलर की भी दी हुई है। यहाँ पर आपको व्हील प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप यहाँ के जो
निडल है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे रोटेट करेंगे तो आपका जो ये मशीन है वो डाउन साइड जाएगा, एंड अगर आप इसे रोटेट करते हैं लाइक आपको अगर दूसरा कपड़ा यहाँ पर रखना है तो आप इसके लिए आपको इसे रोटेट करना होता है। और यहाँ पर बॉबिन से आपको सारा यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है कहाँ कहाँ पे आपको थ्रेड को इंसर्ट करना है। तो मैंने ना एक रुमाल ले लिया, एक वेस्ट रुमाल है, तो अभी हम इसे ऐसे टाइप में इंसर्ट करके देखते हैं लाइक यहाँ से इतना स्टिच। तो उसके लिए तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़ा वहाँ पे रख दिया है, एंड ठीक है, कपड़ा रखने के बाद अभी हम मशीन को करते हैं अनलॉक और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मशीन को प्रेस करना होता है, ये आप देख सकते हैं, ये कपड़ा मैं निकालना ही भूल गई। तो ये जैसे कि हैंकी है, पूरी मैंने आपको हैंकी पहले दिखाई थी कैसे थी, तो अभी आप इनका लुक देख सकते हैं यहाँ से सी। ये पूरी तरीके से स्टिच हो चुका है और वो भी अच्छे तरीके से स्टिच हुआ है। कपड़ा सिर्फ निकालना रह गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। होप आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, आई होप वो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट आप ये जो मिनी हैंड स्टिच मशीन है वो जाके ऑर्डर करिए। आप आपके मॉम को ये गिफ्ट कर सकते हैं, आपके सिस्टर को गिफ्ट कर सकते, आपकी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं आपके हैंड स्टिच मशीन, जो कि इजी टू कैरी है। आप कहीं भी इसे आप कैरी कर सकते हैं, घर में भी आप इसे अच्छे से कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक 100% अप्रूव वाला प्रोडक्ट है। फिर कोई भी प्रोडक्ट होता है, मैं पर्सनली खुद पहले उस प्रोडक्ट पे उस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखती थी क्या ये मुझे यूज़फुल लग रही है, क्या ये चीज़ में वर्थ है पैसे इन्वेस्ट करना। तो यस, 100% वर्थ है। तो फटाफट जाइए, एंड इसकी जो भी प्राइसिंग होगी वो आप मुझे DM करके इन्फॉर्मेशन होगी प्राइस के रिलेटेड, एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको आप मुझे DM कर दीजिए, आपको वहां पर मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगी। और ऑल ओवर इंडिया में आपके पार्सल, आपके मिनी स्टिचिंग मशीन आप मंगा सकते हैं। तो वेट किस बात का, फटाफट जाइए ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है तो आपके ऑफर्स आपका वेट कर रहे हैं। तो फटाफट जाइए एंड ऑर्डर प्लेस करिए। छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जो कोई भी चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप चैनल को शेयर करिए आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तक आपने जितना मुझे प्यार दिया है वैसे ही प्यार आप आगे भी बनाए रखिए। तो बस आपको बताइए आपको क्या करना है। तो यस, आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। मिलते ही रहेंगे ऐसे ऐसे न्यू ब्लॉग के साथ।